जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज हमने गरीब नवाज की बारगाह में चद्दर पेश की और गरीब नवाज से दुआ करते हैं कि आदरणीय सोनिया गांधी जी का स्वस्थ ठीक रहे। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी का जन्मदिन आज, कांग्रेसियों ने ख्वाजा साहब की दरगाह में चादर पेश कर मांगी दुआ। कांग्रेस पदाधिकारी दिलीप सामनानी के नेतृत्व में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के जन्मदिन के अवसर पर महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में दुआ की गई। कांग्रेसियों ने ख्वाजा साहब की मजार पर अकीदत के फूल और मखमली चादर पेश कर सोनिया गांधी की लंबी उम्र और कामयाबी के लिए दुआ मांगी। कांग्रेसियों को ज्यारत दरगाह के खादिम सैयद फकर काजमी ने कराई और दस्तारबंदी कर दरगाह का तबर्रुक भेंट किया। दिलीप सामनानी ने 12 दिसंबर को महंगाई के विरोध में जयपुर में होने वाली महारैली में लोगों को ज्यादा से ज्यादा आने की अपील भी की। चादर पेश करने के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर अनुपम शर्मा, विजय नागौरा, अतुल अग्रवाल, दिनेश शर्मा, रियाज खान, नरेश जाटव, भास्कर आदि सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज हमने गरीब नवाज की बारगाह में चद्दर पेश की और गरीब नवाज से दुआ करते हैं कि आदरणीय सोनिया गांधी जी का स्वस्थ ठीक रहे। और प्रियंका गांधी जी हमारी बहन जो चुनाव लड़ने जा रही हैं उनको चुनाव के अंदर कामयाबी मिले और आदरणीय राहुल गांधी जी जो प्रधानमंत्री को हर बात से अवगत करा रहे हैं उनको और गरीब नवाज शक्ति दे और देश के हित के लिए सोचते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, गरीबों के बारे में सोचते हैं, पूरी दुनिया को उनका आशीर्वाद मिले। गरीब नवाज से हम दुआ करते हैं और इस 12 तारीख को जो राजस्थान के अंदर रैली का प्रोग्राम रखा गया है महंगाई के विरोध में, मैं भारतवासियों को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आदरणीय कांग्रेस पार्टी ये जो रैली निकाल रही है वो आपके हित के लिए निकाल रही है, महंगाई के विरोध में निकाल रही है। महंगाई जो है आसमान छू रही है, ये महंगाई सबको ले डूबी है। मिडिल क्लास देखो, गरीब देखो, हर तबके के लोग को महंगाई ने मार रखा है और गांधी परिवार इसके लिए आगे आ रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, सबके हित के लिए सोच रहा है। जब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी कोई परेशानी नहीं थी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आदरणीय 12 तारीख को जयपुर के अंदर रैली है, उस रैली में आप सब आएँ, यही आपसे निवेदन है।